The phelan, पे क्या वैल्यू हो, हो जाएगा यहाँ से वन माइनस हो जाएगा, जाएगा. यहाँ पे क्या, रूट क्या? पाई दिया है माइनस यहाँ से क्या टू साइन इनवर्स ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या एक्स फोल डिवाइड बाई आ जाएगा यहाँ से क्या रूट ऑफ क्या वन माइनस में एक्स हो जाएगा तो अब हम यहाँ जब इसको यहाँ से मैं सिम्प्लीफाई करता हूँ तो इसको हम क्या लिख लेते हैं एक्स एच टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या वन माइनस में एच हो जाएगा तो जब इसको यहाँ से हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी हो जाएगा लिमिट ऑफ हो, हो जाएगा यहाँ से क्या एच टेंस टू क्या जीरो हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हो जाएगा रूट ऑफ हो जाएगा पाई माइनस में हो जाएगा यहाँ से क्या रूट ऑफ क्या टू साइन इन्वर्स ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या वन माइनस में क्या एच हो जाएगा होल होल्डिवाइड बाई क्या आ जाएगा यहाँ से ये ये हो जाएगा रूट ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या वन माइनस में हो जाएगा यहाँ से वन प्लस में क्या एच आ जाएगा इसको हम कुछ इस तरीके सेलेक्ट ऑन कर सकते हैं तो यहाँ यह, से क्या होगा ये वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिमेनिंग हम यहाँ पे क्या बचेगा ये हो जाएगा यहाँ से क्या जाएगा लिमिट ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा क्या जीरो माइनस में हो जाएगा यहाँ से क्या टू साइन इनवर्स ऑफ हो जाएगा क्या वन माइनस में क्या एच हो जाएगा हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी A आ जाएगा क्या रूट ऑफ क्या एच हो जाएगा तो हमें यहाँ पे क्या इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करें इसको रेसलाइज करेंगे क्या वैल्यू आ जाएगा यहाँ से हो जाएगा रूट ऑफ हो जाएगा क्या पाई प्लस में हो जाएगा, जाएगा यहाँ से क्या रूट ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या टू साइन इनवर्स ऑफ हो जाएगा क्या यहाँ से वन माइनस में क्या एच हो जाएगा होल डिवाइड बाई हो जाएगा यहाँ से क्या रूट ऑफ हो जाएगा क्या पाई प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ से ये क्या आ जाएगा यहाँ से ये टू साइन इनवर्स ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या

क्या हो जाएगा यहाँ से रूट ऑफ हो जाएगा क्या पाई प्लस में हो जाएगा यहां से क्या रूट ऑफ हो जाएगा यहां से टू साइन इनवर्स ऑफ हो जाएगा से क्या माइनस में एच आ जाएगा अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे हमें इन्वर्स टूनोमीटर ट्रुम फंक्शन हमने एक पढ़ रखा है क्या कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स इसकी वैल्यू क्या होती है पाई वाई टू के इक्वल होता है तो हमें टू हाँ हो जाएगा दिस इज पाई बाई टू माइनस में हो जाएगा से क्या cos क्या इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा Next, तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या करते हैं कि इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो जाएगी इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा दिस इज लिमिट ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या एच टेंस टू क्या जीरो हो जाएगा और ये e हो जाएगा यहाँ से क्या पाई माइनस में हो जाएगा यहाँ से क्या टू

इन्वर्स ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या ओ वन माइनस में आ जाएगा क्या एच हो जाएगा तो इसमें से हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से ये तो ये हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई में हो जाएगा टू और यहाँ से क्या हो जाएगा टू हो जाएगा तो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर रिमेनिंग हम यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ इतना बचेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से पाई से पाई भी क्या कैंसिल आउट हो जाएगा ये भी यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा तो अब हम यहाँ पे रिमेनिंग क्या पे वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आ जाएगा लिमिट ऑफ हो जाएगा तो जाए जाए यह जाए यहाँ से क्या h टेंस टू हो जाएगा क्या जीरो हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ से क्या टू cos इनवर्स ऑफ हो जाएगा क्या यहाँ से आ जाएगा वन माइनस में हो जाएगा h और होल डिवाइड बाई जाए जाए हो जाएगा यहाँ से क्या ये आ जाएगा रूट ऑफ क्या h हो जाएगा इन टू लिमिट ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या h टेंस टू हो जाएगा जीरो और यहाँ पे क्या हो जाएगी वन अपान में क्या आ जाएगा यहाँ से Emmanuel, root root off हो क्या जाएगा रूट ऑफ हो जाएगा क्या पाई प्लस में हो जाएगा यहां से क्या रूट ऑफ हो जाएगा यहां से क्या टू साइन इनवर्स ऑफ हो जाएगा यहां से क्या वन माइनस में क्या एच हो जाएगा तो इसको जब यहां से मैं सिंपलीफाई करूँ तो क्या वैल्यू हो जाएगी हो जाएगा लिमिट ऑफ हो जाएगा यहां से क्या जीरो हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये टू साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा यहां से टू टू कॉस इनवर्स ऑफ यहाँ पे क्या वन माइनस में एच रहेगा इसको एजटीस रहने देते हैं यहाँ पे अपन एच इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे जब लिमिट पुट करें तो क्या हो जाएगा यहाँ से जीरो पुट करेंगे पुट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स पाई बाई टू हो जाएगा तो साइन इनवर्स पाई बाई टू हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से क्या ये हो जाएगा पाई हो जाएगा पाई प्लस में क्या है यहाँ पर टू इन टू में क्या पाई बाई टू यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा क्या बचेगा रिमेनिंग हमें यहाँ पे वन अपन में क्या रूट टू पाई रूट टू पाई बचेगा मतलब इसको मैं यहाँ से

इन हो जाएगा क्या लिमिट ऑफ दिस इज थीटा टू जीरो यहां से आ जाएगा क्या टू कॉस इनवर्स ऑफ हो जाएगा यहां से क्या कॉस थीटा हो जाएगा और होल डिवाइड बाई आ जाएगा यहां से क्या ये वन माइनस में क्या हो जाएगा यहां से थीटा हो जाएगा तो जब इसको यहां सेफाई करूंगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा यहां से क्या यहाँ पे आ जाएगा क्या पाई हो जाएगा और लिमिट ऑफ हो जाएगा यहां से क्या थीटा टेंस टू क्या जीरो हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ से अपान में क्या हो जाएगा क्या रूट टू इसको क्या लिखेंगे थीटा वाई क्या टू हो जाएगा ये स्टैंडर्ड फॉमुला हो जाएगा तो इसको जब यहाँ से सिंपलीफाई करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हो जाएगा वन अपान में हो जाएगा दिस इज टू रूट में हो जाएगा क्या पाई हो जाएगा और लिमिट में हो जाएगा यहाँ से थीटा टेन्स टू क्या जीरो हो जाएगा और ए हो जाएगा यहां से क्या टू थीटा हो जाएगा होल डिवाइड बाई हो जाएगा यहां से क्या रूट में हो जाएगा क्या टू इंटू में हो जाएगा यहां से क्या साइन थीटा बाई क्या टू हो जाएगा तो हमें यहां पे एक फॉर्मूला पता है क्या कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो थीटा सॉरी एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स क्वल टू क्या हो जाएगा यहां से ये वन के इक्वल होगा तो हमें यहां पे क्या थीटा यहां पे क्या थीटा क्या थीटा बाई टू तो यहां पर क्या हो जाएगा थीटा बाई टू मतलब इसको हम सॉल्व करने के लिए हम यहां पे क्या करते हैं कि जब एक थीटा बाई टू हम इसमें मल्टीप्लाई क्या करें हम थीटा करेंगे तब यहाँ से ये इस तरीके से फॉर्म फाइंड आउट हो जाएगा तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हो यहाँ से वन अपान में हो जाएगा क्या टू रूट में हो जाएगा क्या पाई आ जाएगा और इनटू में हो जाएगा यहाँ से क्या फोर डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ से क्या रूट टू हो जाएगा तो ए यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा ये हो जाएगा रूट में हो जाएगा टू अपान हो जाएगा यहाँ से क्या रूट ऑफ क्या पाई आ जाएगा तो ए के पे क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आ जाएगा क्या टू अपान में क्या पाई तो जब हम ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ये बी ऑप्शन यहाँ से क्या टू अपान पाई मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा